नमस्कार प्रणाम, हम सौम्या पोखरेल बीरगंज नेपाल से। आज अपने लोगों के बीच में एक बात कहे के चाहते ने, सिर्फ हम खेसारी जी के फैन जितना बानी उ लोग से सिर्फ कहे के चाहते ने, कौन है पवन सिंह हम बोले थे तो बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है यहाँ पर कि सौम्या का ये है वो है। हम जिसको जानते नहीं है जबरदस्ती है क्या भाई, हम जान लूँ उसको, पहचान लूँ? हम नहीं जानना चाहते, वो इंसान को जानते नहीं है तो जबरदस्ती है पहचान लो जान लो। रहा बात यहाँ लोग, कुछ लोग बोला था लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बदनामी होता, आ तहनी के 2 साल पहले से मसूरी लाल कहता रहा, लेकिन अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार से ट्रेंडिंग स्टार के तो भोजपुरी के इज्जत तो मेरा नहीं खे जात। वो कहाँ के हवन, भोजपुरी इंडस्ट्री के ना हवन। रहल बात कुछ कहे के तो हम सबसे पहले खेसारी जी के फैन है, ओकरा अलावा कुछ है ठीक बा, आ कौनो बड़का स्टार ना है कि हमरा कुछ हो जाए। हम सबसे पहले खेसारी जी के फैन है तो उनके तरफ से ये कहे के चाहता नहीं, वो तहनी जैसा आदमी से मुंह ना लागेलन ठीक बा, उनका तरफ से बहुत सीधा आदमी बनन केहू के उतना फुर्सत नहीं खे केहू के वो जवाब दियन। तो वैसे हम देखे नहीं उनकर हर वीडियो हर हाउ हाउ कौन नेटा पोटा कौन बालोग उलोग के कह लग मसूरी लाल यादव कौन है पवन सिंह नहीं जानते, जरूरी है जानना? भोजपुरी इंडस्ट्री में हम खेसारी जी को जानते हैं, मनोज तिवारी जी को जानते हैं, नीरव जी को जानते हैं, ये लोग है स्टार। कौन है पावर स्टार हम नहीं जानते। सुबह सुबह हमको फोन आयल रहे भोरे भोरे की रात के हमारा फोन आयल रहे एगो नंबर से, तू एंगे कहबो नू पवन सिंह के बारे में तो तहरा भोजपुरी में काम ना मिली, लागत की लिखवा ले बड़न। रहल बात जगरा काम देवे के बा उनका कोनो मतलब है नहीं है, तहरा से काम करे के बा नहीं खे, जानते नहीं कि उन साल से कैसे काम करे हम। रहल हमारा धमकावे के तो हम कोनो होने होने के डराए वाला लड़की ना है ठीक बा, कुछ ऐसा बाटे तो आई बतियाई गाड़ी दिला से का हुई। अब का कही संस्कार होंगे मिलल हुई, लेकिन हमने के कुछ तो कितना हो जाए हमने के गाड़ी दे दें सर ना, हमने के बाप मतारी होंगे नहीं के सिखा लेगे होके गाड़ी देवे के। हम सिर्फ ये कहे कि हम कह देनी है कि कौन है पवन सिंह तब हल्का मचगल बा, का है कैसे तो समय पुगल गए सब लोग जानत रहे, तो अब तंगा प्रचलित आदमी मतलब ना होला नाम।